हे यो, गुड मॉर्निंग छोके आंगन, कैसे हैं आप लोग? मेरे पापा यहाँ तो अभी हम बाहर क्या कर रहे हैं, मास्क लगा के, ये DSLR सब लगा के अभी हम क्या कर रहे हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको। तो अभी यहाँ पे ये व्यू है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है बता रहे हैं, वहाँ पे पुलिस भी खड़े हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको लाइन से खड़ा दे रहे हैं डिस्टेंस में एक। और यहाँ पे जो इमरान है हमारे घर के सामने रहता है, तो वो मतलब 1000 लोगों के लिए खाना रखे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो लोग रोड पे सो रहे हैं, जो लोग घर नहीं है उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए ये लोग खाने का इंतज़ाम किए हैं। तो खाना जो है वो पूरा 1000 लोग को दिया जाएगा, तो वही वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग जैसे देख सकते हैं आ गए हैं, तो अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप लोग घर में हो तो आप लोग भी ऐसे लोगों का मदद करिए। तो चलो एक देख के आते हैं क्या चल रहा है। तो गाइज हमारे साथ ये इमरान भैया खड़े हैं, तो यही लोग पूरा खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। इमरान भैया जो पूरा इंतज़ाम सब किए हैं। पाँच मिनट वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं वेट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे लोग लाइन से लगना शुरू हो चुके हैं और बहुत लंबी लाइन लग रही है, और पुलिस भी बोल रहे हैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े रहने। तो ये लोग यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तो चलो, कोई अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं इमरान भाई, और आप लोगों भी मदद करिए जितना हो सके मदद उतना, क्योंकि ये लोग जो ज़रूरत के लोग रहते हैं वो लाइक खा भी नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं अपने आप को, जो भी है। तो आप लोग भी हेल्प करिए। तो गाइज अभी मामाअर्थ वाले हमको सैनिटाइज़र भेजे थे, तो उसका हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको ज़रूरत है, तो 20 शायद सैनिटाइज़र कुछ आया था, 24 कुछ आया था। तो अभी हम जाके दे देंगे कि लोगों को मदद आए। तो 20 सैनिटाइज़र था, तो इन लोगों को दे देंगे, तो अभी ऊपर से जाके लाते हैं। तो गाइज देख सकते हो सैनिटाइज़र तो मामाअर्थ की तरफ था, तो उसका लाइक सोचा था वीडियो भी बनाएंगे कुछ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी जाके दे रहे हैं। तो थैंक्स मामाअर्थ फॉर दिस सैनिटाइज़र। हम ये एक यूज़ भी किए हैं, बहुत अच्छा है, तो आप लोग ले भी सकते हो मामा अर्थ की वेबसाइट में जाके। तो चलो, देने का टाइम आ गया। तो गाइस ले लिए हैं, तो 2 सैनिटाइज़र हम पहले पुलिस को देंगे जो वहाँ खड़े हैं, और बाकी का रखें उन लोगों को दे देते हैं। तो हमारा सैनिटाइज़र और पूरा यहाँ से खाना दिया जाएगा, और लाइक लोग आ रहे हैं, आई थिंक एक्स्ट्रा लोग भी आ रहे हैं, जिससे शायद प्रॉब्लम भी हो सकता है। यहाँ पुलिस भी खड़े हैं, तो पुलिस को जाकर 2 सैनिटाइज़र दे देता हूँ। तो गाइज दे दिए हमने भी सैनिटाइज़र पुलिस लोग को, और पूछे लॉकडाउन में कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा वो सब। तो बोले कि 3 मई तक शायद ख़त्म होगा, या क्या पता नहीं, बट शायद और एक्सटेंड भी हो सकता है ये चीज़। तो जो भी है, अभी शायद सौम्या रेड्डी वो लोग आएंगे यहाँ पे जो MLA हैं, और शुरू होगा ये। तो गाइस दे सकते हैं, इतना बुरे हैं फाद तो कितना है टोटल? 200-250 है। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं जो वहाँ से शुरू हो रहा है, जो लाइक बहुत नीडी लोग हैं, एक्चुअली हेल्प हो रहा है इन लोगों का, वो बहुत अच्छी बात है। बट एक डिस्टेंस रहना चाहिए, वो मेंटेन रहना चाहिए, और कुछ नहीं तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, सही है। तो गाइस स्टार्ट हो चुका है, और जो बाजू में है MLA हैं हमारे, यहाँ से भीड़ लग चुका है, लोग आना शुरू हो चुके हैं, यहाँ से लोग आ रहे हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं पूरा। तो गाइस यहाँ पे पूरा बांट दिया जा रहा है, पूरा लाइन्स है, अब सबको दिखा नहीं सकते हम। और भीड़ बहुत मेन यही चीज़ है कि भीड़ लग जा रहा है बहुत ज़्यादा, एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं। और पुलिस लोग भी आके देख रहे हैं यहाँ पे कि लाइक डिस्टेंस मेंटेन है, सब चीज़ है कि नहीं, और वो सब है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेन यू कैन सी
काम तो बहुत अच्छा हो रहा है कि लोग मिलके हेल्प कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, सब चीज़ें, और लोग खाना लेके सब जा रहे हैं बाहर, या तो हो रहा है बांट दिया गया ऑलमोस्ट। और लाइक इमरान भाई बोल रहे थे कि फ़ोटो लेने के लिए, तो इसलिए हम DSLR लगा रहे हैं, इसलिए हम फ़ोटो भी ले रहे हैं इन लोगों का साथ में, तो एक हेल्प भी हो गया और सैनिटाइज़र भी दे दिए, वो भी हेल्प हो जा रहा है। एनी वेज जो भी है, अभी हम और नहीं दिखाएंगे, अभी हम सीधा ऊपर जाकर हम आपसे मिलते हैं। ओके, तो बहुत ज़माने के बाद हम ऊपर आए, आई थिंक 2 वीक के बाद ऊपर आए, वीडियो 2 वीक पहले बना था और अब हम एडिट करने बैठे हैं। तो सोच सकते हो कितने सुस्त आदमी हो चुके हैं, कितना इररिस्पॉन्सिबल बन चुके हैं हम। बट गाइस, थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है हमको, इसलिए कुछ नहीं कर सकते अभी, तो थोड़ा रिलीफ होने दो। ये कहाँ से आ गया भाई, ये क्या भाई, मेरे घर में अमृतांजन माम कौन लगाता है, वाह। यस, फिर खड़ा हो गया यहाँ के, ये क्या पाउंड्स भाई, ये मेरा रूम है, बट हम ये सब नहीं लगाते हैं भाई, ये सब मेकअप शेकअप का काम मेरा नहीं है। अदरवाइज एनीवेज, जो भी है, तो हम इतना बोलेंगे, जैसे ये काम हुआ, तो गरीबों का मदद किया गया, तो हम चाहते हैं आप लोग भी मदद करें। इसका ये मतलब ये नहीं कि 200 या 1000 आप खाना किसी को देंगे, लेकिन आप देख रहे हो अगर आपके घर के बाहर जगह है, शेड है थोड़ा, और कोई रोड पे धूप पे लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, तो आप उसको प्लीज़ घर के बाहर ही बैठा लीजिए, जहाँ पे शेड है, अच्छी जगह है, बैठा लीजिए वहाँ, उनको खाना पानी भी दीजिए और जितनी मदद हो सके उतना दीजिए, क्योंकि अभी के ज़माने में, लाइक अभी के टाइम में बहुत ज़रूरत है लोगों को मदद की। तो ठीक है, ये था वीडियो का। वीडियो पसंद है तो गाइस लाइक मारो, एम करते 1500 लाइक्स का, तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब करो यार। एंड दोस्त बनाओ ना, पार्ट ऑफ शो गए, मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज कुछ नहीं, अब नहीं बोलने का हक है हमको, बट जो भी बोलो, अभी हम मोटिवेट फील हो रहे हैं, जो प्लान का काम चल रहा है उसके बाद, वो सब करके और मेहनत करके हमको अच्छा लग रहा है और हम और मोटिवेट फील कर रहे हैं। तो अभी बैठे बैठे बहुत सारा वीडियो आने वाला है, 1-2 वीडियो और शूट किए हैं, फनी फनी वीडियो, तो देखना मत भूलना आप लोग। तो ठीक है, चलते हम, हैव अ गुड डे बॉयज़।